ईकैट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो हमारे पास आज टॉपिक्स हैं उनको आज हम डिस्कवर करेंगे, जिनमें सीक्वेंस एंड सीरीज है और अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक सीरीज है। अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू आ रहा है वो इस तरह से है कि एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सब्जेक्ट टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर नंबर्स को एक अरेंजमेंट में, एक ऑर्डर में लिखा जाए और एक खास रूल के तहत लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। यानी जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैंने फर्स्ट नंबर 2 लिखा है तो उसके बाद मैं 4 लिखूं और उसके बाद 6, यानी मैंने कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 रख लिया, और इस तरीके से 8 और सो ऑन, तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस बनेगा। इसे हम कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो इस डेफिनेशन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब सीरीज जो होती है ये बेसिकली सीक्वेंस ही की टर्म्स के सम को कहा जाता है, यानी अगर मैं यूं कहता कि सम ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सब्जेक्ट टू सम डेफिनेट रूल तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो यूं लिख सकते थे कि 2 + 4 + 6 + 8 + so on। अब इस पे चूंकि लास्ट टर्म्स का हमें नहीं पता तो इस किस्म की जो सीरीज होंगी जैसा यहाँ पर, इन्हें इनफाइनाइट सीरीज कहा जाएगा। जबकि सीक्वेंस की अगर बात की जाए जिसमें कि लास्ट टर्म ना लिखी हो तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज या प्रोग्रेशन है। ठीक है, सीक्वेंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होनी चाहिए वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जबकि टर्म जो होती है, अब जिस तरह आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है तो इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये 2, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी, 4 सेकेंड टर्म कहलाएगी और 6 जो है वो थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो टर्म्स हैं वो भी हम यहाँ से सीक्वेंस की और जो हमारे पास सीरीज है हम वो देख सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से ही रिलेटेड एक और एमसीक्यू है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज नेगेटिव 19। और जो सीक्वेंस है वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 5 है, जो इसकी सेकंड टर्म है वो 7/2 है, जो थर्ड टर्म है वो 2 है। तो इसी तरीके से इसकी जो ये टर्म है 19 - 19, ये कौन सी टर्म है ये हमें मालूम करना होगा। ठीक है जी, अब ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, चूंकि हमने एक बात इसमें नोट की है कि जो सीक्वेंस के दरमियान डिफरेंस चला आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है। अगर आप देखें तो 7/2 और 5 का डिफरेंस अगर आप देखें और 2 और 7/2 का डिफरेंस देखें तो वो एक जैसा आ रहा है। इसको अगर हम अभी कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पर 2 जो है इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 7, जबकि 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -3/2। जबकि यहाँ भी अगर आप देखें तो एलसीएम आप लें 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, जबकि 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, और यानी 1 जो है इस 2 को जब डिवाइड करेगा 2 आएगा और 2 जो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 2 ही है तो डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा। देखिए इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, -3/2, सेम डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमें एक तो बात ये पता चल रही है कि ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी इनमें कॉमन डिफरेंस एक सा है।
कॉमन डिफरेंस है, मतलब सिंपल वर्ड्स में. और अब अगर हम इसमें ये बात जानते हैं कि सेकंड टर्म देखी जाए, तो वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद आती है. ठीक है, इसी तरह इसकी जो nth टर्म है वो a यानी जो फर्स्ट टर्म है इसमें डिफरेंस हमने ऐड करना है, लेकिन कितने टाइम्स वो डिफरेंस ऐड होगा, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद. अगर इस बात को हम यूँ समझें कि अगर थर्ड टर्म की बात की जाती तो ये a1 प्लस दो दफ़ा कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आती. ठीक है, तो nth टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये a1 में n माइनस वन टाइम्स जो है, मतलब जो d को मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा वो फर्स्ट टर्म में ऐड करने से हमें लास्ट टर्म यानी nth टर्म मिल सकती है. ठीक है, तो अभी इसी बात को अगर हम जहन में रखें, यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन करते हैं. देखें, हम इस तरह कर लेते हैं कि हमें पता है कि जो इसमें nth टर्म है वो नेगेटिव 19 है. हम यहाँ पर नेगेटिव 19 पुट कर लेंगे. ठीक है, इस जगह पे. और फर्स्ट टर्म हमें पता है वो 5 है, जबकि इसमें जो हमारे पास n है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता. और कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया था वो नेगेटिव 3/2 था. ठीक है, जो मैंने अभी रेस किया. तो आप इन वैल्यूज को अगर यहाँ पर लिखें, ठीक है, तो देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 जब माइनस प्लस n से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3, तो ये माइनस 6 तो बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 इंटू n 3n. ठीक है, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, प्लस 3 वन टाइम 3 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. ठीक है, बल्कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अलग अलग इनको लिख लें. ठीक है, 3/2 मतलब दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, n से भी और माइनस 1 से भी. अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम एलसीएम ले लेते हैं. चलें यहाँ पे एलसीएम हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसका क्या आ रहा है, 2. ठीक है, तो न्यूमरेटर्स में यहाँ पर हमें 2 से खुद से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा. 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 माइनस 3n. ठीक है, और प्लस 3 यह आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इन तमाम नंबर्स के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं इसलिए इनके न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ जो है हमारे पास इक्वालिटी के वो माइनस 19 है. चलें इस साइड को मैं यहाँ से रेस करता हूँ. तो देखें अब इसमें हमारे पास ये 2 जो है अपने मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, यानी अगर ये 1/2 है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 2 होगा. इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए इस नंबर से तो ये यहाँ जो लेफ्ट साइड है, सो राइट साइड है, इस पर ये डिवाइड हो रहा है. ये राइट, अगर ये राइट पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 38. ठीक है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करने से माइनस 38 आ रहा है, जबकि इक्वल टू 10 और ये 3 ऐड हो जाए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3n. ठीक है, अब अगर हमने चूंकि n जो नंबर है टर्म का वो बताना है, तो अगर इस टर्म को उठाकर हम लेफ्ट साइड पे ले आए और माइनस 38 को जो है वो राइट साइड पे ले आए उनके एडिटिव इन्वर्सेस ऐड करने के बाद, तो 3n किसके इक्वल आ जाएगा, 13 प्लस 38 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, और अगर हम इनका सम कर लें तो ये हमारे पास 51 बनता है. और अगर यहाँ से n चूंकि हमने फाइंड करना है 3 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ n की राइट और लेफ्ट साइड को, तो n बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा और n की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 17. इसका मतलब कि अगर इसी सीक्वेंस में हम चलते रहें और जो 17th टर्म होगी वो माइनस 19 के इक्वल आएगी, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी को जो है वो मार्क कर देंगे. एक और हमारे पास MCQ है जी, जिसमें के ऐसा से लिखा गया है इसकी स्टेटमेंट में कि द nth टर्म ऑफ n
arithmetic progression is dash, yani hame ye batani hogi ki kya hai nth term, jabki iski first term jo hai wo negative 4 hai aur common difference jo hai wo 13 ka hai. Matlab ki hum ye baat jante hain ki arithmetic progression mein har do consecutive terms ka jo difference hai wo ek sa hai, theek hai. Ab agar first term minus 4 hai to second term kya hogi, minus 4 में हम 13 ऐड कर देंगे, 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है. और अगर थर्ड टर्म की बात की जाए तो हम अगर फर्स्ट टर्म को ही रेफरेंस देखें तो इसमें मुझे कॉमन डिफरेंस का डबल ऐड करना होता है, ठीक है. यानी अगर a2 को देखूं तो इसमें मैं 13 ऐड करूंगा, 9 में 13 ऐड करें तो ये बन जाता है 22. और अगर फर्स्ट टर्म को देखा जाए तो 26 में अगर माइनस 4 ऐड करें तो ये 22 आ जाता है, ठीक है. इसी तरह हमें बताना होगा कि जो nth टर्म है वो क्या है. अब हम एक ऑलरेडी बात जानते हैं, जैसे पिछले एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया कि जनरल टर्म जो है हमारे पास वो कैसे आती है, कि आप फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, ठीक है. तो अब यहां पर जो हमारे पास a1 है वो कितना है, माइनस 4 है, जबकि n माइनस 1 एज इट इज रहेगा और कॉमन डिफरेंस कितना बताया गया है, 13 बताया गया है, ठीक है. अब हम इनकी वैल्यूज को अगर दर्ज करें तो यहां पे आएगा माइनस 4 प्लस 13 n से मल्टीप्लाई होगा, 13 n आ जाएगा, माइनस 13 नेगेटिव 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 13. और अब अगर पॉजिटिव टर्म को देखा जाए तो वो हमारे पास कितनी है, 13n है, ठीक है. जबकि माइनस यहां पे अगर आप देखें तो ये 13, ठीक है, और माइनस 13 और माइनस 4 ये कितना बनता है, माइनस 17 बनता है, ठीक है. तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहां पे, बल्कि मैं करेक्शन कर लेता हूं, ये 17 लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसे मैं करेक्ट कर लेता हूं यहां पर, कैसे मैं इस तरह से इसमें जो करेक्शन है वो मैं कर देता हूं आपको. ये ऑप्शन जो है देखें, अगर 13n माइनस 17 ये अवेलेबल है हमारे पास, तो ये इसका जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा. अब ये बाकी ऑप्शंस जो है उनके सारे रीजंस आपको पता चल गए हैं कि ये क्यों गलत है, क्योंकि हमारे पास जो जनरल टर्म बन रही है वो इस तरह से बन रही है. अब इसमें अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो देखें मैं फर्स्ट टर्म हासिल कर सकता हूं, ठीक है. यानी अगर फर्स्ट टर्म देखी जाए तो क्या आती है, देखें यहां पर 13 1 टाइम 13 माइनस 17, 13 माइनस 17 कितना होता है, माइनस 4, ठीक है. जबकि अगर इस वैल्यू में या इस वैल्यू में अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 माइनस 5 जो कि 15 होता है. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 15 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है. इसी तरह अगर हम इस ऑप्शन को देखें कि n की जगह अगर हम 1 पुट करते तो 13 माइनस 20 ये माइनस 7 आता, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म बता दी गई है वो माइनस 4 है, ठीक है. इस तरह अगर इस ऑप्शन में मैंने अभी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है. और इस ऑप्शन को अगर आप देखें तो यहां पे अगर 1 पुट किया जाता है तो ये 7 माइनस 13 ये कितना बनता है, माइनस 6, तो ये भी गलत है. तो इस तरीके से एक शॉर्ट वे भी हमारे पास कि हम डायरेक्ट, मतलब जो इनवर्स आप इंजीनियरिंग समझ सकते हैं उसके मेथड को हम यहां पर यूज करेंगे, और जो वैल्यूज हमें गिवन है उनमें उन ऑप्शन ही को हम जो है वो यूज करते हुए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि क्या आया ये, इसका जवाब हो सकता है या नहीं हो सकता. जी, एक और एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे जो कि अरिथमेटिक सीरीज से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है. इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स आवर हैंड इज एट 1, ट्वाइस व्हेन इट इज एट 2 एंड सो ऑन. हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन 12 आवर्स. यानी अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो घड़ी है, ठीक है, उसकी जो नीडल है जिसपे कि हम टाइम देख रहे होते हैं, ठीक है, वन पे जब आती है तो मतलब इसकी जो सुई है वो 1 शो करती है, ठीक है, टू पर
इस तरह थ्री पर जिस जिस तरह से आवर्स गुजर रहे हैं वन वन आवर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो वन आवर का आ रहा है, तो ये टू आवर्स, फिर थ्री, फोर ओ क्लाक पे, फोर पे आएगी सुई जो है, इस तरह फाइव पे, फिर सिक्स पे, इस तरह सो ऑन है। तो एक सीक्वेंस बन गया जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो वन है, सेकेंड टर्म जो है वो टू है, थर्ड टर्म थ्री है, एंड इसकी जो nth टर्म है वो 12 है। ठीक है, चूंकि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब 12 आवर्स पूरे हो जाएंगे, तो जाहिर बात है कि 12 आवर का मतलब वापस 12 पे आ जाएगी। तो अब इस अगर ये एक सीक्वेंस बन गया है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसमें इसकी सीरीज क्या होगी? सारी बात है कि अरिथमेटिक सीरीज को हमने पढ़ रखा है कि सीक्वेंस की टर्म का सम जो होता है वो सीरीज कहलाता है। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी फिर, ठीक है, जो कि एक फाइनाइट सीरीज है क्योंकि इसकी लास्ट टर्म गिवन है। अब इसका अगर सम करना है हमने, तो अब देखिए इनको अगर ऐसे हम ऐड करने शुरू हो जाते हैं कि 1 और 2 ऐड करें, 3, फिर 3 प्लस 3, 6, फिर प्लस इसे नेक्स्ट टर्म 4 है, तो हमारा टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। हम इस पर एक शॉर्ट वे निकालते हैं, फार्मूला यूज करते हैं जो कि सम ऑफ द सीरीज का है, एस एन, जो कि इक्वल होता है हाफ ऑफ द टोटल जो भी टर्म्स हैं। ठीक है, एन इसमें कितनी टर्म्स हैं, 12 है, तो उसका हाफ टाइम्स हम करते हैं 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, फर्स्ट टर्म जो है इसमें वो 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चल रहा है, 2 और 1 का डिफरेंस, इसी तरह 3 और 2 का डिफरेंस वो 1 है। तो इन वैल्यूज को अगर इसमें दर्ज किया जाए तो इन 12 टर्म्स का जो सम है हमारे पास वो आ सकता है। देखें यहाँ पे हम 12 पुट कर रहे हैं, 12 का हाफ होता है 6, ठीक है, जबकि 2 टाइम्स ऑफ ए की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, 2 आ जाएगा, प्लस एन की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं जी, 12, तो 12 में से 1 माइनस करें 11, और डी की वैल्यू 1 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कितना आ जाएगा, ये 11 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 11 लिख रहे हैं, और अब 2 और 11 का सम 13, तो 6 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये 78 बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। अब बाकी ऑप्शंस जो हैं हमारे वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल सम है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, 128 है, ये 96 है, ये भी नहीं हो सकता, 156 भी नहीं हो सकता, तो फिर जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो 78 जो होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा।